हेलो, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विद्युत। तो मैं स्वच्छता अभियान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। और स्वच्छता अभियान की अगर बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर, वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता है। और इसके बारे में अक्सर ही सरकार ये भी कहती है कि ये सिर्फ ना सरकार की वजह से हुआ है, बल्कि इसके कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसका श्रेय वहाँ के नागरिकों को भी जाता है, क्योंकि उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इस तरह की जो सफाई अभियान कार्यक्रम है वो वहाँ पर इतना सफल हो पाया है। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भिंड की। दरअसल भिंड में ऐसा क्या हुआ? भिंड में हुआ ये कि वहाँ पर जो स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए तमाम सफाई कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं, वो देर रात निकल पड़े झाड़ू लेकर सड़क की साफ सफाई करने के लिए। लगभग 50 की संख्या में वो वहाँ पर मौजूद रहे। दरअसल हुआ ये कि भिंड में स्वच्छता अभियान देर रात शहर के अंदर चलाया गया। नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत करीब 50 अफसर सड़क पर झाड़ू, फावड़ा और गेंती लेकर उतर गए। उन्होंने शहर वासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए सफाई अभियान चलाया। करीब 1.5 किलोमीटर सड़क पर उन्होंने सफाई की और देर रात ये सफाई चलती रही। सफाई अभियान के दौरान 5 से 7 ट्रॉली कचरा भी उठाया गया। और हुआ ये कि रात्रि के समय चलाए गए इस अभियान की वजह से सुबह सुबह जब सड़कें देखी लोगों ने, तो वो बिल्कुल साफ सुथरी उनको दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से ये संदेश देने की एक कोशिश की गई है कि अगर आप अपना काम, अपने अपने शहर को, अपनी जगह को, अपने स्थान को स्वच्छ रखने का बीड़ा अगर आप खुद से उठा लेते हैं, तो जाहिर है कि उसका एक ऐसा संदेश लोगों के बीच में जाता है कि वो खुद भी इस जिम्मेदारी को समझेंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी शुक्रवार की रात करीब 10 बजे दल बल के साथ सड़क पर उतरे थे। सुभाष चौराहा से नगर पालिका ऑफिस तक 50 से अधिक सफाई दल के कर्मचारी स्वच्छता अभियान में जुटे रहे। ये अभियान करीब 2.5 घंटे तक चलता रहा। रात्रि 12:30 बजे तक ये चलाया गया और इस दौरान 5 से 7 ट्रॉली कचरा भी उठाया गया। मुख्य सड़क मार्ग पर बारिश के कारण कई जगह जो मिट्टी थी वो एकत्रित हो गई थी और बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई थी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा घरों का जो कचरा और मिट्टी को घरों के बाहर जगह जगह ढेर के रूप में लगा दिया गया था। यानी कि जो आपने देखा होगा कि अक्सर जगह जगह सड़कों पर एक ढेर इकट्ठा हो जाता है कूड़े करकट का, वो इकट्ठा हो गया था। साथ ही इस कचरे और गंदगी कारण शहर की जो सूरत थी वो बिगड़ गई थी। दिन में चलने वाले वाहनों को काफी दिक्कतें हो रही थी और इस वजह से ये जो कचरा था वो और भी ज्यादा दिन में जो हवा चलती है उड़ रहा था और सड़कों पर आ रहा था, जो जगह जगह पर बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहा था। और नगर पालिका द्वारा रात्रिकालीन सफाई अभियान जो चलाया गया, इसकी वजह से एक लोगों को संदेश मिला कि अपने आसपास की जगह को हमें खुद स्वच्छ रखना है। और अगर बात करें हम ये सफाई अभियान की, तो संभवतः साल 2021 का ये कह सकते हैं कि 21 के बाद में जो ये चल रहा है 2021 से बाईस का जो सेशन है, इसमें ये पहला ऐसा अभियान होगा जिसमें रात में अधिकारी उतरे हैं और जाकर उन्होंने खुद सफाई अपने इलाके की है, और जिसका एक कह सकते हैं कि सही जो संदेश होता है लोगों के बीच में वो पहुँचा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही है। बाकी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।